दिन आज भी बीत जाया करता है और बातें अब भी अधूरी रह जाती है। वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई ये सोचकर उसे भूल गया था। अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में मैं फिर से कहीं खो गया था। उसे मिलना तो अब होगा नहीं, तो उसका इंतज़ार करना भी मैंने अब छोड़ दिया था। दिन बीता, महीने बीते और अब बीतने को आ गया था साल भी। लास्ट सेमेस्टर्स के रिजल्ट भी आ गए और नई क्लास में जाने का वक्त भी। स्कूल शुरू हुआ, मैं क्लास में एंटर हुआ और लगभग सारे नए चेहरे थे, तो मैंने भी अपनी कोने की सीट पकड़ी और मैं भी उनमें शामिल हो गया। जितना एक्साइटेड मैं था इस दिन के लिए, ये दिन उतना भी खास नहीं था। मैं अपनी बोरियत से लड़ ही रहा था कि एक आवाज़ आती है, ओए हाय, कैसा है यार तू? वो मेरे सामने थी, मगर मैं एक साल पीछे जा चुका था। जो कुछ हुआ, जो कुछ बीता, मुझे हर एक पल एक एक करके सब याद आ रहा था। वो तो खुश लग रही थी, मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसने चुटकी बजाई, मैंने नजरें घुमाई और मैंने भी उसे हाय कहा। इतने वक्त बाद मिले हैं तो थोड़ा ऑकवर्डनेस भी जरूरी ही था। वो मेरे आगे आके बैठी, हमने बातें शुरू की, मगर आज सब कुछ उल्टा हो रहा था। जो कुछ कभी मैं किया करता था, मैं आज उसे करता हुआ देख रहा था। आज का दिन तो पुराने किस्से पुरानी बातों में ही निकल गया। दिन आज भी बीता और बहुत कुछ कहना आज भी रह गया। अब फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगा था, मगर इस बार कहानी कुछ अलग होगी, ये बात तय थी। वो मुझे पसंद करे या ना करे, मगर मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात तो उसे बतानी थी। फिर वो दोस्ती रखे या ना रखे, वो मेरी दोस्त थी और रहेगी, ये बात तो तय थी। अब इंतज़ार था उसे ये बताने का। इस बीच थोड़ा वक्त भी मिला उसे मुझे और मुझे उसे फिर से समझने का। उसका बर्थडे आने वाला था और उसके लिए मेरा यही सरप्राइज था। वो तो एक्साइटेड थी अपने सरप्राइज के लिए, मगर मेरा हाल बेहाल था। हैप्पी बर्थडे यार, थैंक यू मेरा सरप्राइज दे। आप सरप्राइज कुछ देखने के लिए नहीं, कुछ सुनने के लिए है। ओह वाह, तूने कुछ लिखा है मेरे लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं इससे अनजान हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, बीच से कहूँ या शुरू से शुरू करूँ, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं उस पल से जिस पल से तुझे देखा है। तुझ में रब दिखता है, मेरे दिमाग में बस अब यही गाना गूंजता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये कहने का मन करता है जब तू पास बैठती है। पर सामने जब भी तुम आती हो, ये दिल कुछ भी कहने से डरता है, मेरी ये हालत हो जाती है। मैं तुझे कितना चाहता हूँ कि तू सोच भी ना सके, ये कहने की मैंने तुमसे कितनी कोशिश की है। कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ, आई लाइक यू यार, मुझे बस तुमसे यही बात कहनी है। वो इतना कुछ कह दिया यार तूने, अब मैं क्या कहूँ? थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे भी सोचने के लिए। इतना वक्त लगाया है कहने में, तो चलो थोड़ा सा इंतज़ार जवाब का भी कर लूँ। वो दिन भी आया जब उसका जवाब मिलना था। आज तू चुप रही हो, कल बहुत बोल लिया, आज तू सिर्फ मेरी सुनेगा। ऐ दिल है मुश्किल, अब क्या कहूँ तुझसे, कहना भी बहुत कुछ है मगर क्या कहूँ तुझसे। 10 मिनट से ज़्यादा तू हाथ नहीं पकड़ेगा, जब भी फ़ोन करूँ तू उठाएगा, और ये बाबू सोना वाली चीज़ें कभी मत करना। अब मैं तुझे आई लाइक यू भी नहीं बोलने वाली, और चाहे कुछ भी हो तू हमेशा मेरे साथ रहना। ये कहानी शायद आज पूरी हो गई, या फिर एक नई कहानी आज फिर शुरू हो गई।